अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम टीवी न्यूज़। सिकंदराबाद में मध्य प्रदेश से एक जादूगर आकर अपना तमाशा बता रहा था। इसको देखने के लिए तेलंगाना का डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस जादूगर के तारीफ में फूल बरसाए। महमूद अली ने कहा कि बहुत अच्छा जादू बताया और हम मुतासिर हुए, जो इतना वक्त इन्होंने जादू का खेल देखने के लिए और ये तमाशा देखने के लिए लगाया, उसमें से थोड़ा भी वक्त अगर वो आम गरीब अवाम जो इनको चुनकर लाई है, इनकी हुकूमत को चुनकर लाई है, उनके लिए लगाते तो शायद वो गरीबों से दुआ निकलती। क्योंकि जो जो वादे इन्होंने किए थे इख्तदार में आने से पहले, माइनॉरिटीज के ताल्लुक से, उर्दू के ताल्लुक से, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के ताल्लुक से, अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। वक्त है अभी भी आप ये तमाशे देखना बंद करें और गरीब अवाम के कामों में लग जाए और जो जो वादे उनसे किए थे वो वादों को पूरा करें, ताकि अगली बार भी आपकी सरकार बने। वरना के चंद्रशेखर राव तो कोशिश कर रहे हैं अच्छे काम करने की, लेकिन माइनॉरिटीज में और जो जिम्मेदारी आपको दी गई है अगर वो सही तरीके से नहीं निभाई गई, तो यकीनन इसका नुकसान के चंद्रशेखर राव को होगा। मोहम्मद इमरान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। आज यहाँ पर था, वो मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत बड़े मैजिक शो पेश किए हैं। मैं समझता हूँ कि हमें कभी ऐसा देखने का मौका नहीं मिला। उन्होंने जिस तरह मैजिक किया है और ये मैजिक शो यहाँ पर कंटिन्यू एक महीने तक रहेगा, तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे भाइयों से, बहनों से, ज़रूर एक बार इनका शो देखिए। और उन्होंने बड़ी मेहनत से 18 साल की उम्र से उन्होंने मैजिक करते करते आज तकरीबन 42 साल से सारे दुनिया में तकरीबन 36,000 से ज़्यादा शो वो कर चुके हैं। और इस शो में रियलिटी है, हम पिक्चर देखते हैं वो अलग रहता है, ये शो देखने पर हमें ताजुब भी होता है कि वो किस तरह इसे कर रहे हैं। और बहुत अच्छे से अच्छा उन्होंने अपना मुजाहरा पेश किया, काबिल तारीफ़ है। मैं दिल की गौरव से मुबारकबाद देता हूँ और हम यही चाहते हैं कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्टेट से उनको इनक्रेज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका शो देखें और बहुत अच्छा शो पेश कर रहे हैं। मैं दिल की उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।